फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप लोग? तो अजान की आवाज़ सुनी आ रही होंगे आप लोग को। तो जोहर का टाइम हो रहा, तो बस क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बिकॉज़ डाइनिंग टेबल भी बहुत दिन से गंदा हो गया था, तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद में मैं पढ़ूँगी नमाज़ फ्रेश होके, फिर कुरान शरीफ, उसके बाद में ऐप लेके फिर मैं उठूँगी, उसके बाद मैं इफ्तारी की तैयारी करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत काम। हमारे कॉलिना भी ख़त्म हो गए, एक बॉटल हो गया एंड ये एक बॉटल ख़त्म हो गया, बस उतना क्लीन रखती हूँ मैं। तो महीना भी नहीं हुआ, दो ख़त्म हो गए मेरे पास, तो क्लीननेस मस्ट है लाइफ में। जोहर में ऐसे कामा कर लेना गाइस, तो दिन भी चले जाता जल्दी। एंड उसके बाद में नमाज में पढ़ के करे बाद में, जब तक असर का टाइम निकाल सकते अपन। थोड़ा मेहनत लगती, बस क्लीन हो जाता। तो गाइस मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रेड आलू रोल, तो चलिए दिखाती हूँ। पानी में डुबाई उसको, इसके अंदर डाल रही हूँ मैं आलू का स्टफ जो मैं बनाई सिंपल वाला, एंड इसको ऐसा फोल्ड कर दूंगी। ब्रेड का देख सक रहे आप, ब्रेड का रोल बनाई हूँ आलू वाला, तो ज़बरदस्त से ट्राई कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो गाइस आप लोग? तो ये देखो मैं बना रही हूँ दही बड़े। दही बड़े इनको तो डेली होना, मेरे हस्बैंड को तो इनका फेवरेट दही बड़े है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए, मैं कल बोली थी ना आप लोग को कुछ स्पेशल है घर में हम लोग बनाने वाले हैं, तो ये तो आप लोग को मालूम है, लास्ट टाइम दो वीडियो में भी देखे होंगे आप लोग, दो ब्लॉग में भी। तो चलिए आपको कुछ स्पेशल दिखाऊंगी मैं। तो ये रहा, कैसा है? रमज़ान मुबारक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है ना। तो गाइस ये मैं बनाई हूँ नमाज कॉर्नर, तो देख सकते आप लोग को मैं पूरा दिखाऊँगी। तो ये देखिए गाइस, ये बनाई मैं नमाज कॉर्नर, तो देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह। मैं आप लोग को दिखाऊंगी डिटेल्स में पूरा। साफ जगह रहना, बिकॉज बच्चे हैं जो घर में आके कॉर्नर रख लेना गाइस। हमेशा मैं हर रमज़ान को ऐसा बनाती हूँ गाइस। तो आपके देर हो गया था, नहीं बनाई थी मैं, बिकॉज थोड़े कामा हो गए थे। तो चलिए मैं दिखाऊंगी आपको DIY क्या बनाई। देखिए गाइस, DIY करी सो मैं चांद तारे, तो ये मैं घर में बनाई, देख सकते हैं आप लोग। तो कल सहरी के बाद में ये सब बना रही थी मैं, और मेन यहाँ जान है जो कॉर्नर में, ये है काबा। तो माशाल्लाह कितना प्यारा है, और ये है कुछ दुआओं के शोपीस भी। तो और ये रहना ज़रूरी है, ये है खंदिल, तो ये भी रखी मैं। एंड इधर साइड में रखी मैं एक खुशबू वाली कैंडल, और इधर है एक छोटी सी लैंप के जैसी,
छोटी लैंप रखी हूँ उधर, और इधर है कैंडल जो अच्छी खुशबू आती, ये आई थिंक जैस्मिन की है शायद गाइस। तो और एक मैं इधर दिखाऊंगी, इधर मैं रखी हूँ वाइट वाली, मतलब अलग खुशबू है, और इधर एक कैंडल, इधर एक खंदील के जैसे रखी हूँ लैम्प, तो देख सक रहे हैं आप लोग। और उधर कॉर्नर में मैं रखी हूँ कुरान शरीफ एंड दुआओं की किताब और हदीस जो अपन डेली पढ़ते। मैं आपको दिखाऊंगी अब लाइट डाल के कॉर्नर कैसा दिख रहा, तो ये देखिए लाइट डाले वन में कॉर्नर माशाल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा ना, तो एक फील भी अलग आता, सुकून दिखता। नमाज में एक कॉर्नर रहना ज़रूरी है, तो मैं इधर साइड में कॉर्नर लगा ली। तो ऐसा आप लोग भी अगर कोई करके है तो प्लीज़ मेरे को इंस्टा पे फ़ोटो भेज सकते, तो मैं इंशाल्लाह देखूँगी, कम्युनिटी पे डालूँगी। एंड अगर मेरे जैसा कोई बनाए मेरे वीडियो के बाद में, उन लोग भी भेज सकते मेरे को। ये बॉटल दिख रहा होगा आपको क्या है, जब भी मैं कुरान पढ़ती हूँ कुछ भी दुआएं पढ़ती हूँ तो ये पानी में फूंक के रखती हूँ, बिकॉज़ बच्चों को पिलाना ज़रूरी है, जो भी अपन कुरान पढ़ते दुआएं पढ़ते सब उसमें फूंक के रखती हूँ, मैं बच्चों को भी पिलाती हूँ वो पानी। ऐसा कौन कौन करते ज़रूर कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो गाइस आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? तो कैसा दिखा आज का हम लोग का छोटा सा ब्लॉग? हाँ आज बहुत छोटा दिखाऊँ, कल बहुत बड़ा था आप लोग को ब्लॉग। तो गाइस कल बोले थी मैं आप लोगों को कुछ करने वाली हूँ घर में, मतलब DIY टाइप, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी वो तो बोली थी। तो देखे ना आप लोग कैसा दिखा, नमाज वाला कॉर्नर। तो सहरी के बाद क्या करें नमाज अपन, के बाद से जो बैठे DIY करने के से, बिकॉज़ देखिए दिन में तो टाइम नहीं मिलता, नमाज़ रहते और घर में बच्चे, तो आप समझ सकते हैं ना कैसा रहता, तो रोज़े में बहुत मुश्किल हो जाती। तो वो टाइम पे जो बैठे सीधा, आई थिंक 8:39 हो गया था ना, सुबह ख़त्म हुआ पूरा, फिर उसके बाद में जो है नमाज़ रोज़े वगैरह ये था। तो कुछ बोल रहे थे कल के? कल का जो बहुत जनों को पसंद आया, बहुत सीरियस हो गए थे एंड सडन लोगों को बहुत लोग ट्विस्ट एक था, एक ट्विस्ट था, ट्विस्ट था और बहुत स्टोरी जने में। हाँ बोले बहुत पसंद आया बोल के। तो गाइस अगर आप लोग को ऐसे जोक्स पसंद आ रहे तो इंशाल्लाह हम लोग क्या जोक्स का करेंगे, एक टाइप का ह्यूमर है, वो यस ह्यूमर है, न्यूज़ है, ये सब चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ पसंद आ रहा लेके आते तो रहेंगे। अगर आप कमेंट करके बोले तो दीदी जी हाँ पसंद है, और प्लीज़ वो कॉर्नर बना लो, तो एक आप लोग को भी एक एक अच्छा सुकून। सुकून रहता है, फील आ रहा मालूम है वहाँ पे नमाज पढ़े बाद में भी, एक अच्छा दिख रहा है इसके तो लिए। लास्ट रमज़ान में भी हम लोग बनाए थे, बहुत अच्छा एग्जैक्टली था, हाँ, जब लास्ट उतना रमजान सोशल का। मीडिया पे हम लोग बताए नहीं थे, बट एग्जैक्टली इस टाइम से मेरे व्लॉग्स जो स्टार्ट हुए तो उसलिए मैं आप लोग को दिखाएंगी रमज़ान का। तो अगर आप लोग बनाए तो गाइस ज़रूर इंस्टा पे मेरे को भेज सकते हैं भेज फ़ोटो, सकते तो या मैं कम्युनिटी पे डालूंगी, मतलब यूट्यूब पे डालूंगी मेरे। तो एक फ़नी याद आया गाइस हम लोग को, तीनों सुना रहे थे। बहुत फनी चीज़ है वो, इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं रुक रही। तो एक्चुअली ना मेरा बचपन बोल रहा हूँ मैं, ओके नो ऑफेंस प्लीज़। तो इसमें क्या हो गया था मालूम, अब देखो रमज़ान की बात करूँ एग्जाम्पल, आज रमज़ान के दस्तर में बैठ के बातन चल रहे थे हमारे कुछ तो वे निकालते रहते हैं खुद से कहानियां। तो हुआ क्या, मतलब अब मेरे बचपन में ना रमज़ान में जब दस्तर बिछाते थे हमारे घर पे, तो कुछ ना कुछ अपनी फेवरेट चीज़ रहती रहती। तो अपन बच्चे जब रोज़ा नहीं रहते थे, अब कोई मेहमान आके आपके दस्तर पे सामने आपके घर में, तो अब उनके सामने आपकी पसंद की चीज़ लेना है। अब आपके सामने आपके मॉम डैड बैठे हुए, डैड तो ठीक है चलो चलता अपन मैनेज कर लिए थे, लेकिन मॉम बैठे हुए आपके सामने, तो अब मेहमान आ भी है, अपन सीधा रब बोल के ऐसा हाथ डाल दिए उठा लिए, अब मॉम बाजुक है तो उठाने जाते जाते सीधा, अब ऐसा दस्तर यहाँ पे है समझो, मॉम इधर बाजू में है, तो ऐसा हाथ ऐसा लेके जाते जाते हाथ ऐसा बीच में रुक जाता था, रुक के खाली ऐसा आंखों में पानी आता था, फिर हाथ ऐसा पीछे आ जाता था। तो क्या होता था मालूम, वो एक स्प्लिट सेकंड में, वो एक स्प्लिट सेकंड में एक छोटी मिसाइल ऐसा आके, साइलेंट मिसाइल रहती थी वो, खाली वाइब्रेट होता था, तो ऐसा हाथ जाते जाते रुक के फिर वापिस आके, कुछ भी हुआ मैं मेहमानों के सामने अब रोना भी इज्जत चली जाती, खाली आंखों में पानी, बहुत खतरनाक चुमकी किसको लेते थे। किसको ऐसा हो,
कमेंट करो गाइस, आई थिंक सबके साथ हुआ होगा। आप लोग कमेंट करो, कोई शर्माने की बात नहीं है, हर कोई। मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, अपन एकदम अच्छे बच्चे के जैसे थे, शरीफ थे, खामोश एकदम, घर में सब में खामोश और बात करने में सब में कम बात करते थे। और ऐसे काम तो नहीं करते थे खाने पीने मेरा तो बहुत बुरा हाल रहता था, लोच लोच के मेरे पैर बाद में लाल हो जाते थे, मेहमान आ गए बाद में वो देख लेके रोना होता था, क्या कर सकते हैं, मेहमानों के सामने रो भी नहीं सकती, इज्जत चली जाती, तो खाली हाथ जाते रहता, हाथ रुक जाता सडनली, तो अपन सोचने से पहले अपने मम पहले सोच लेते, अच्छा इसको ये चीज़ पसंद है, अब समझा मैंगो ही है तो इसको मैंगो पसंद है, हाथ डालता पक्का तो रेडी मिसाइल ऐसा रेडी रहती थी, खत्म। फिर भी करते थे नेक्स्ट टाइम, फिर भी नेक्स्ट टाइम अपन सुधरते, फिर नेक्स्ट टाइम फिर वही, फिर ऐसी लाता खाना, फिर वैसी होता था। मैं वो करते थे क्या, स्कूल को जाने के टाइम का, सुबह में पेट में दर्द होना, अरे पेट तुम्हारा खाली पेट में दर्द लेवल है मेरा, एक्सट्रीम लेवल है मेरा, अब ऐसा ऐसा हाथ था लूज छोड़ देंगे, हाथ टूट गया मेरा सुबह से उठते हाथ नहीं उठ रहा मेरा, स्कूल की बर्थडे है सो, हाँ वो भी हुआ था इनको कोई शेयर करे अपने फैमिली में से, हमारे फैमिली में से भी इसके लिए, तो एक बार क्या हुआ था स्कूल में जो है ना, मैं बेसिकली बुक्स कभी कंप्लीट नहीं करता था, ना क्लास वर्क ना होमवर्क, तो भूल ही जाओ, क्लास वर्क खुद कंप्लीट नहीं करता था मैं, बैक बेंचर्स थे अपन, तो बहुत सारा मतलब पेंडिंग रहता था, तो उस दिन क्या हुआ था, क्लास टीचर के साथ में, सब्जेक्ट टीचर के साथ में प्रिंसिपल जो एडमिन रहते हैं पूरा राउंडिंग करने को आने वाले थे और बुक चेक करने वाले थे, क्लास वर्क कम्प्लीट हुए नहीं, बस पूरे बुक का नए के नए नेक्स्ट ईयर यूज़ करने को अपन सोचते थे, वो साल के बुक था पूरे एम्प्टी, खाली नाम लिखते और क्लास लिखते बस, उसके बाद में बुक पूरी खाली, मैं नेक्स्ट ईयर भी बुक होना ना कहीं यूज़ करना बोलिए, हमने ऐसा सेफली रख देते थे, पढ़ने का बिल्कुल नहीं था, तो अब उस दिन स्कूल नहीं जाना, अब पूरे बहाने हो गए, जब तक बुखार हो गया, खांसी हो गया, हाथ टूटना, ये पूरे हो गए थे, अब बचा क्या था, क्या था, पूरी रात सोचा, रोज अपना क्रिमिनल है इसी सुनना, तो रात में पूरा है ना, एक दोस्त बोला था ऑनियन रख लो यहाँ बगल में बुखार आती, वो सब बेकार बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो भी बोल रहा है, ये भी कमेंट करके बताओ कि कौन कौन ये सब ट्राई करे पाए थे छोटे छोटे, तो उससे कुछ भी नहीं हुआ वेरी फ्रेंकली, वो कौन एक झूठे दोस्त रहते अपने को फंसाने वाले, वो लोग अपन सुन के जो है ना वो सब ट्राई कर लिए, कुछ भी नहीं हुआ, अब सुबह हो गई, अब इतने दुआयां करते थे, आजकल तो भी लॉकडाउन है ये सब चल रहे, वो टाइम पे लॉकडाउन भी नहीं रहता था, तो ऐसा स्कूल क्या कुछ भी हो जाओ, बारिश हो जाओ, ये हो जाओ वो जाओ, अरे भाई रात भर बारिश होती थी, सुबह होती बारिश गए, अब रात में इतनी बारिश होती थी, मैं तो सोचता था सुबह तो स्कूल डूब जाती, पानी आ जाता, किस्मत को पक्का स्कूल ओपन रहती थी, तो अब सुबह हुई, अब उस दिन अपने को क्लास में चेकिंग थी, अब मैं बोला क्या करूँ, आइडिया आया अपने दिमाग में, पहले से शायद दिमाग था अपना, तो जाके बोला मैं आज स्कूल का बर्थडे है, स्कूल को न्याय भी तो चलता स्कूल का बर्थडे है आज, मतलब प्रिंसिपल का नहीं, तो घर में माम पूछे स्कूल का बर्थडे कैसा रहता बेटा, स्कूल का बर्थडे है आज, कल बोले मेरे को डायरी में नहीं लिखे, नहीं डायरी बताओ, नहीं डायरी में नहीं लिखे, डायरी तो नहीं होता है, कुछ तो गड़बड़ दिख रही, बोल के सीधा क्या करे तुम, चलो बेटा मैं भी आ रहा हूँ, साथ में लेके गए, अब किस्मत ख़राब अपनी, गए गए तक सेकेंड पीरियड हो गया था, टाइम ख़त्म, सीधा जो टाइम पे क्लास में जब चेकिंग चलना था एग्जैक्टली रॉन्ग टाइम वही टाइम पे, घर वाले भी साथ में, क्लास टीचर प्रिंसिपल पूरों के सामने, वो काम पूरे खुल गए अपने, पूरी चिट्ठियाँ खुल गए अपने, क्या क्या करते थे, अरे रे रे रे, उस दिन शाम से जो क्या मैं क्या बोलूँ, आप ना समझ सकते क्या क्या हुआ होगा उस दिन घर पे जाने के बाद में, और नेक्स्ट डे से स्कूल से आए बाद में 3-3 घंटे एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस वो भी लग गए थे और बहुत ज़्यादा, लेकिन चलो ठीक है, तो आप ना कमेंट करके बताओ ये सब आज याद कर रहे थे, आज थोड़े कॉमेडी हो गए, रमजान में फैमिली के साथ ऐसा होता नहीं, मतलब कुछ भी निकलते, बचपन के बातें निकलते, हम लोग भी जब हमारी फैमिली के साथ बैठते थे कुछ भी, इन्हें ऐसा करती थी, उन्हें ऐसा करता था, ऐसा निकलते थे बात, बचपन में रमजान में ऐसा करता, वो दिना कुछ एक वो दिना याद आते, वो बहुत अच्छे रहते, वो एकदम सोच के ऐसा फील होता कि भाई बहनों के साथ रहके रोजे खोलना, वो टाइम मिस करते अपन बाद में, पहले सोचते यार ये क्या दम है, बोल के वो स्कूल डेज भी वैसी है, वो टाइम अपन सोचते अपन कॉलेज चले आना, ये सब स्कूल वेस्ट है, लेकिन जब वो जाते जब वो मिस करते तो वैसी से वो दैट इज लाइफ फॉर आपके साथ है इंशाल्लाह, हां खुदा ना खास्ता नेक्स्ट ईयर हम ना रहते YouTube पे नहीं रहते, पता नहीं बोल सकते ना,
नहीं बोल सकते। तो आप लोग भी हमारा वीडियो दिमाग में रहता कि लास्ट ईयर दीदी और भैया थे हमारे साथ हंसाते थे, थोड़ा छोटा मोटा जोक बोल के भी हंसाते थे, बोलिए याद रहता। नया चैनल है ब्यूटी टिप्स, जिस पे जो है ना होम रेमेडीज और मेकअप हैक्स है और सिंपल मेकअप्स है, होम रेमेडीज है, ग्लोइंग स्किन है, हेयर फॉल से कैसा बचना, आईब्रोज या सब। तो आज मैं फर्स्ट व्लॉग करने वाली हूँ इनके साथ गाइस। फिर मेरे साथ क्या करना, कोई तो बंदा होना गाइस, मैं उनके ऊपर तो बंदी नहीं चलती, बंदा ही छोड़ना। अब बंदी कहाँ से लाऊं मैं लॉकडाउन में, वही तो परेशानी है। हाँ तो बेचारे नो है आप लोग के वास्ते गाइस, आप लोग को बताऊंगी तो इनके फेस पे लगा के बताऊंगी या कभी कभी मेरे फेस पे भी लगा के बताऊंगी। गाइस टिप्स का वीडियो है ना गाइस, वो आप लोग सोच रहे होंगे अभी दीदी नहीं डाले बोल के, तो हम लोग ये शायरी के बाद अपलोड करके कल सुबह मतलब जुम्मेरात के सुबह होता ना, हाँ जुम्मेरात के सुबह में आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो जो भी नए हैं या ये चैनल पे देखे तो लिंक कल भी डिस्क्रिप्शन में पिन करके थे, तो जाओ उस पे लिंक से जाके आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, फिर पिन कर दूंगी मैं आज, फिर आज भी पिन कर देंगे। हाँ तो उसको क्लिक करो, लिंक को क्लिक करो, सीधा चैनल पे पहुंच जाते, तो सब्सक्राइब कर, कर लो, तो बेल बजा लो, तो डेली वीडियो एक से एक खतरनाक वीडियो आने वाले हैं, वो वीडियोस बिल्कुल मतलब आपको कहीं भी नहीं मिलते, ऐसा नहीं टोटली डिफरेंट, महंगे महंगे दीदी कुछ दिखा, कोई महंगे क्रीम नहीं रहते, हर चीज घर की तो बेस्ट चीज रहती, अगर बाहर की रही भी तो बेस्ट चीज रहती जिसकी वजह से आपको पक्का फायदा होता। तो आप लोगों को इसलिए 100% बोल रहा हूँ मैं, जाओ ब्यूटी टिप्स पे आप सब्सक्राइब कर लो और उस पर एक वीडियो ऑलरेडी है उसको लाइक भी कर लो और आपके फ्रेंड्स में शेयर करो, बिकॉज दैट इज़ अ ब्यूटी चैनल। आई थिंक आप लोग को हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलो। तो गाइस जो भी ब्यूटी टिप्स जानना चाह रहे और उन लोगों को होना है ब्यूटी टिप्स, तो जाके मेरा न्यू चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, ब्यूटी टिप्स मेरा चैनल है, तो मैं पिन कर दूंगी कमेंट। चलिए गाइस और कुछ भी डाउट है तो इंस्टा फॉलो करो, इंस्टा पे बात करो, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ कल ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना स्पेशली मेरी फैमिली को, ठीक है, ठीक है, चलिए गाइस।